गाइस आज मैं आप लोगों के साथ आर्टिस्ट्री सिग्नेचर सेलेक्ट पर्सनलाइज सीरम की डिटेल्स में बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं बताई थी मैं यूज़ करती हूँ और आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगी। यहाँ पर एक बेस सीरम दिखा रहा है और पांच एम्पलीफायर दिखा रहा है। ये पांच एम्पलीफायर से 25 तरह की सीरम बना सकते हो अपने हिसाब से, जिसकी जो स्किन प्रॉब्लम है वो उस हिसाब से बनाएगा। तो यहाँ पर आप एसरोला चेरी देख रहे हैं जो पर्सनलाइज सिग्नेचर सीरम में है। एसरोरा चेरी हाईली एंटीऑक्सीडेंट है जिसमें बहुत सारे विटामिन सी है जो हमारी स्किन की जो कोलेजन लेवल है उसे बूस्टअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन की जो फ्री रेडिकल्स है उसे दूर करते हैं और स्किन के एकदम खिला खिला करते हैं। बेस सीरम में फाइटो इन्फ्यूज्ड वाटर है और नेक्स्ट है प्रोमिगनेट। प्रोमिगनेट जो है वो बहुत ही सुपर फूड से हम जानते हैं और इसमें ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी है तो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है बेस सीरम में वो है ब्लैक करंट जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये एक्ने प्रॉब्लम, ड्राइनेस की प्रॉब्लम, सेंसिटिविटी और स्किन में जो होता है ना पैच पड़ जाते हैं उसको इवन टोन करने सभी ब्लैक करंट कर दे। तो नेक्स्ट है ग्रीन टी। ग्रीन टी के बारे में सभी को पता है बहुत अच्छे स्किन के लिए। तो पहले तो ये सन डैमेज से हमें हेल्प करता है और पॉल्यूशन से, रिंकल्स से, एक्ने से और स्किन के जो ऑयल है उससे, और ये स्किन को बहुत स्मूथ रखते हैं और जो पिंपल्स होता है उससे हमें ग्रीन टी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्पिनच जो सभी को पता है बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन की जो फ्री रेडिकल्स है उससे हमें स्किन को बचाता है स्पिनच। सभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं जो बताई पांचों इंग्रेडिएंट्स वो सभी बेस सीरम में है और ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो न्यूट्रोलाइट की ओन फार्म से कलेक्ट किया गया हुआ है और इसमें 100% फाइटो इन्फ्यूज्ड वाटर है। बेस सीरम के बाद अब हम आएंगे एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर में पहले है हाइड्रेशन जो इस हाइड्रेशन सभी को पता है स्किन के लिए बहुत अच्छे है और स्किन को अच्छे रखने के लिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये हाइड्रेशन पार्ट में जो पेटेंटेड फार्मूला यूज़ वो है हाइड्रो प्रोबायोटिक टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है हाइड्रेशन एम्पलीफायर में जो स्किन को बहुत हाइड्रेटेड रखता है। नेक्स्ट है ब्राइटनेस के लिए। तो सभी को पता है ब्राइटनेस स्किन के लिए बहुत अच्छे होता है और इस एम्पलीफायर में जो फार्मूला यूज़ किया गया है वो है कि रेडियंस रीन्यूअल टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है ये ब्राइटनिंग एम्पलीफायर में जो स्किन को बहुत अच्छे से ब्राइटनेस देता है। एंटी रिंकल के जो एम्पलीफायर है तो हमें किसी को भी रिंकल नहीं पसंद है तो इसीलिए ये एम्पलीफायर जो है वो बहुत अच्छे काम करते हैं और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है वो है लाइन डेमिनेसिंग टेक्नोलॉजी जो रिंकल नहीं पड़ने देते और हमारी स्किन को एकदम बहुत खिला खिला रखता है। हमारी जो फार्मिंग के एम्पलीफायर है तो हमें किसी को भी स्किन ड्रॉपीनेस, सैगनेस पसंद नहीं है इसलिए फार्मिंग एम्पलीफायर 30 के ऊपर से लेडीज़ को बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है वो है न्यू स्किन टाइटनिंग टेक्नोलॉजी जो स्किन को एकदम न्यू जैसा बना देता है, बहुत अच्छा बना देता है स्किन। नेक्स्ट है स्पॉट। स्पॉट हमें किसी को भी पसंद नहीं है स्पॉट हमारी स्किन में और स्पॉट जो होता है ना हमारे ये जो स्पॉट की करेक्टर की जो एम्पलीफायर है उसमें बहुत अच्छे से विटामिन सी टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है तो वो क्या करते हैं हमारे स्किन में जाते हैं और वो मेलानिन को ढूंढ के उसके साथ फाइट करके स्पॉट को रिड्यूस करता है। तो ऐसे हमारे एम्पलीफायर काम करते हैं, ऐसे वर्क करते हैं आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इसे एक्चुअल में करके देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो इसे रियलिटी में करके देखते हैं ये कैसा होते हैं। तो पहले तो बेस सीरम आएगा, तो बेस सीरम को ओपन करेंगे तो ऐसे दो चीज़ मिलेंगे। तो इसमें बेस सीरम है और ये एम्पलीफायर है। तो मुझे लगता है मुझे चार एम्पलीफायर की ज़रूरत है, जैसे ब्राइटनिंग है, हाइड्रेशन है, स्पॉट है एंड रिंकल के हैं। तो मैं फार्मिंग इसलिए नहीं यूज़ करती क्योंकि मेरी 30 क्रॉस नहीं हुआ है तो इसलिए मैं फार्मिंग नहीं यूज़ करूँगी और वैसे भी मेरी कोई स्पॉट नहीं है लेकिन मैं प्रिवेंशन के लिए स्पॉट यूज़ करूँगी। तो एक बेस सीरम में आप किसी भी तीन एम्पलीफायर को मिक्स कर सकते हो लेकिन मुझे यहाँ चार एम्पलीफायर की ज़रूरत है इसलिए मैं एक एक बेस सीरम में
दो यूज़ करूँगी। और आपको एम्पलीफायर ऐसे ही सीक्वेंस को मिलाना होगा, जैसे पहले आपको हाइड्रेशन देना होगा, फिर ब्राइटनिंग देना होगा, फिर रिंकल का, फिर फार्मिंग का, फिर स्पॉट का। आप ऐसा नहीं कि पहले अगर आपको ज़रूरत है हाइड्रेशन और स्पॉट को, तो आप पहले हाइड्रेशन को दो फिर स्पॉट को दो, ऐसा नहीं। पहले आप स्पॉट को दो फिर हाइड्रेशन को दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही सिक्वेंस में आपको मिक्स करना पड़ेगा। तो ये है बेस सीरम। तो मैं इसके लिए पहले, देखिए हाइड्रेशन है और हाइड्रेशन मुझे बहुत ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं ये बेस सीरम दे रही हूँ। और ये बहुत अच्छी लगती है करने में। पहले तो आप इसको टाइट कर लो, ठीक है, पहले तो आप टाइट कर लो, आप देख रहे हैं इसमें। और इसको ऐसे एंटी क्लॉक वाइज आप घुमा दो, देखिए ये मैजिक हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है करने में। तो उसके बाद है ये ब्राइटनिंग का, तो ब्राइटनिंग का भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। देखिए ब्राइटनिंग को, एम्पलीफायर को यूज़ कर रही हूँ, देखिए इसमें ब्राइटनिंग भी है, तो इसको मैं निकाल के ब्राइटनिंग यूज़ कर रही हूँ। प्रोसेस एक ही है, टाइट इसको लगाए और इसको एंटी क्लॉक घुमा दे, ऐसे घुमा देंगे तो इसकी जो प्योरिटी है वो मिक्स जाएगा। और देखिए इसमें से ना नाइट्रोजन की मदद से यहाँ पर जो रॉ कॉन्सेंट्रेटेड जो है इसमें सीरम की जो कॉन्सेंट्रेट है वो इसमें नाइट्रोजन की मदद से सील किया गया हुआ है। तो इसको मैं ऐसे ले लेती हूँ और आपको ये 60 सेकेंड तक सेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ स्टिकर मिलेंगे आपको, अगर लगता है आप भूल जाएंगे तो आप ये स्टिकर दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रेशन लगाया और ब्राइटनेस यूज़ किया, तो मैं ये स्टिकर जो है वो दे रही हूँ। जैसे मुझे मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं भूलती नहीं हूँ, तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो आप ये स्टिकर यूज़ कर सकते हो। सेम प्रोसेस में हम दूसरा भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम करेंगे, तो नेक्स्ट में मैं बेस्ट सीरम ले ली हूँ और इसमें स्पॉट है और रिंकल का है। तो इससे प्रोसेस एक ही है, देखिए ब्राइटनर के बाद रिंकल है, तो मैं पहले इसमें रिंकल मिक्स करूँगी। बहुत अच्छा लगता है, पहले तो आप ले लें और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें। फिर उसके बाद मैं स्पॉट की करूँगी। अगर आपको फार्मिंग की ज़रूरत है तो उसके बाद आप फार्मिंग करें फिर स्पॉट करें, लेकिन मुझे फार्मिंग नहीं चाहिए तो इसलिए मैं स्पॉट करूँगी। तो इसको मैं घुमा देती हूँ, ये बहुत सफ़ेद दिखेगा, क्रीमी टेक्सचर है इसका। तो ये मैंने मिक्स कर लिया, तो इसको भी मैं 60 सेकेंड तक इसको सेक करूँगी। तो मैंने इसे 60 सेकेंड तक सेक कर लिया है, देखिए कुछ आइसक्रीम जैसा दिख रहा है, ये ऐसा ही दिखेगा। और यहाँ पर कुछ मैं कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को फार्मिंग की ज़रूरत है, तो अगर किसी को पाँचों ही की एम्पलीफायर की ज़रूरत है, तो एक बेस सीरम में वो तीन मिक्स करेंगे और दूसरी बेस सीरम में दो, ठीक है। किसी को चार ज़रूरत है तो मैं जैसे कर रही हूँ वो करेंगे, किसी को तीन ज़रूरत है तो एक ही बेस सीरम में, किसी के दो ज़रूरत है तो एक ही। ऑब्वियसली आप मैक्सिमम एक बेस सीरम में तीन कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा। तो मैं इसमें स्टिकर नहीं लगा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। मैं इसको, ये मेरा तीसरा फाइल है जो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट देगा। और आपको एक ही महीने में दिखेगा कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा मिरर जैसी हो गई है, मतलब एकदम एकदम कोई उसमें ना जुड़िया है, ना रिंकल्स, ना कोई स्पॉट, कुछ भी नहीं दिखेगा। आप इसे ज़रूर यूज़ करें, लेकिन ये इसका जो मेन मुझे खासियत लगता है कि आर्टिस्ट यूज़ करने में, कि ये पेटेंटेड है, तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो दूसरा कोई नहीं यूज़ कर सकता। ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए और मैं आर्टिस्ट को इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसका रीज़न भी यही है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अगर आप हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आप कैसे यूज़ करेंगे इसे, पहले तो आप जेल क्लेंजर से अपने मुंह को धो लेंगे, उसके बाद अगर विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं तो विटामिन सी यूज़ करेंगे, उसके बाद आप ये यूज़ करेंगे। कोई कोई पूछते हैं तो मेरे पास दो एमपी मतलब दो मेरे पास दो सीरम है, बेस सीरम है, तो कौन सी यूज़ करूँ। देखिए पहले कहा गया हुआ है हाइड्रेशन एंड ब्राइटनिंग, तो पहले मैं ये यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं ये यूज़ करूँगी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, सब सभी यूज़ करें, अपने आप को ग्लैमरस बनाएं।